इजराइल को ईरान ने पिछले कुछ महीनों में कई बड़े झटके दिए हैं। इजराइल ने ईरान की सबसे सुरक्षित जगहों में सेंध लगाई है। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने दिखा दिया है कि इजराइल की पहुंच कितने अंदर तक है। ईरान इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सुरक्षा में कहां पर चूक हुई। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर गायब हो गए हैं, जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि उन्होंने ही इसराइल की मदद कर ईरान से गद्दारी की। 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी अमेरिका की ओर से कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। मिडिल ईस्ट आई ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के विशिष्ट कुछ फोर्स के नेता इस्माइल कानी हाउस अरेस्ट में जीवित और सुरक्षित हैं, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की निगरानी में पूरी जांच हो रही है। कानी को हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया है। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। यह हिजबुल्ला के साथ ईरान को एक बड़ा झटका था। तब से IRGC ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की लोकेशन का पता कैसे चला, क्योंकि हसन नसरल्लाह की लोकेशन बेहद गुप्त रहती है। वो किसी एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि कानी और उनकी टीम से पूछताछ हो रही है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। तब से कानी को IRGC की विदेशी इकाई कुछ फोर्स का प्रमुख बनाया गया। ईरानी कमांडरों की ओर से ही इसराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ गया जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को 4 अक्टूबर को इसराइल ने एक बंकर में मिसाइल हमला कर ढेर कर दिया। हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद कानी कई IRGC कमांडर्स के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए लेबनान पहुंचे थे, लेकिन सफीद्दीन की मौत के बाद 2 दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बात की अटकलें लगती रहीं कि बेरूत की बमबारी में वो या तो घायल हुए हैं या फिर मारे गए, लेकिन वो इसराइल की लगातार हो रही बमबारी में ना तो घायल हुए और ना ही सफीद्दीन के साथ मीटिंग में गए। मंगलवार को कुछ फोर्स के डिप्टी कमांडर और इराक में पूर्व ईरानी राजदूत इराज मस्जिदी ने कहा कि कानी का स्वास्थ्य ठीक है और वो अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बाद में रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जब तक जांच चल रही है तब तक उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले की निगरानी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।